नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 Pro 5G versus Moto G32 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 Pro 5G में 6.48 इंच जबकि G32 में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 12 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 12 Pro 5G में 3.03 इंच जबकि G32 में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 12 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 12 Pro 5G में 0.31 इंच जबकि G32 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 12 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 Pro 5G में 188 ग्राम्स जबकि G32 में 184 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 Pro 5G में AMOLED जबकि G32 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि G32 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 Pro 5G में 85.62% जबकि G32 में 85.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि G32 में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G32 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 12 Pro 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G32 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 Pro 5G में Mali G57 MC2 जबकि G32 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 और G32 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 12 Pro 5G में 8 GB जबकि G32 में 4 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 Pro 5G में अप टू 2 TB जबकि G32 में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 Pro 5G 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें G32 की तो वो 4 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 12 प्रो 5G आगे है। मेन कैमरा में नोट 12 प्रो 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 12 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A33 5G है, तीसरा Nokia G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE2 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।